तो गाइज अगर आप अच्छा नहीं खेल पाते हो और आपको काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पता है बट फिर भी आप अच्छा नहीं खेल पाते हो तो इसके पीछे रीजन है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनी है बट किसी भी वीडियो में प्रैक्टिस के बारे में नहीं बताया जाता है कि प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ पता होने से कुछ भी नहीं होता है, आपको वो काम करना भी आना चाहिए। जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स के पता होने से कुछ भी नहीं होगा, आपको उनको यूज करना भी आना चाहिए। जैसे अगर आप CS में, CS रैंक में, कस्टम में, लिमिटेड कस्टम में, टूर्नामेंट्स के अंदर, फुल मैप के अंदर अच्छा खेलना चाहते हो तो आपको उनके लिए पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने भी प्लेयर्स होते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, जैसे गेमिंग कैटेगरी के अंदर ई स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं तो वो डेली प्रैक्टिस करते हैं, उनका डेली प्रैक्टिस रूटीन होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है ताकि आपको कोई बेनिफिट मिल सके। फालतू में खेल के प्रैक्टिस करना उसे प्रैक्टिस नहीं बोलते। मैं आपको बेसिक सी प्रैक्टिस के बारे में बताता हूँ जो कि आपने डेली करनी है। और गाइस मेरी एक बात याद रखना कि अगर आपको टूर्नामेंट्स में अच्छा खेलना है तो आपको प्रैक्टिस रूटीन बनानी पड़ेगी। सिर्फ खेलने से ही कुछ भी नहीं होता है, जब आप प्रैक्टिस करके खेलते हो तो आप और अच्छा खेल पाते हो। तो सबसे पहले अपने ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आके करना है थोड़ा सा वार्म अप। सभी बटन्स के ऊपर आपने क्लिक करना है जिससे कि आप उन्हें अच्छे से कंट्रोल कर पाओ और आपका मिस टच बिल्कुल भी ना हो। तो थोड़ी देर आपने ये वार्म अप कर लेना है। जब आपका प्रॉपर हैंडसेट हो जाएगा, आपकी फिंगर्स गर्म हो जाएंगी, उसके बाद आपने एक एक करके हर चीज की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपने एमिंग की प्रैक्टिस करनी है। एमिंग की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एम करने के लिए हम दो टेक्निक्स का यूज करते हैं, सुपर जंप और जॉयस्टिक। सबसे पहले आपने सुपर जंप के साथ एम करने की प्रैक्टिस करनी है। आपने थोड़ा जिगजैग करना है जिससे कि आपको सुपर जंप करके एम करने में थोड़ी सी दिक्कत आए, तो आपने जिगजैग करना है और उसके बाद इन पुतलों की तरफ एम करने का ट्राई करना है। और इस वाले पॉइंट में आपने सिर्फ कैमरा एंगल को कंट्रोल करने का ट्राई करना है, हेडशॉट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और थोड़ी देर आपने सुपर जंप के साथ प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने जॉयस्टिक के साथ प्रैक्टिस करनी है। और इसमें भी आपने सेम ही स्टेप्स को फॉलो करना है, जिगजैग करना है जिससे कि आपका कैमरा एंगल थोड़ा सा इधर उधर हो जाए और फिर आपने एम करके फायर करना। जब कई बार हम बहुत ज्यादा फास्ट खेलने का ट्राई करते हैं, बहुत ज्यादा जोर जोर से जिगजैग करते हैं, तो उसके बाद अपने एनमी के ऊपर एम नहीं कर पाते, तो इसीलिए एम की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है हेडशॉट्स की, मतलब कि आपने ड्रैग करने की प्रैक्टिस करनी है और ये प्रैक्टिस आपने हर गन के साथ करनी है। हेडशॉट मारने का तरीका हर गन के साथ सेम ही होता है, बस आपको ड्रैग थोड़ा सा कम ज्यादा देख के थोड़ा बैलेंस करके करना पड़ता है। इसीलिए आपने हर गन के साथ हेडशॉट मारने की प्रैक्टिस करनी है। काफी सारे प्लेयर्स कमेंट करते हैं कि भाई डेजर्ट ईगल की हेडशॉट ट्रिक बताओ, ड्रैग नोब की, बुट पैकर की, AC-80 की, SKS की। तो भाई देखो, हर गन के साथ हेडशॉट मारने की सेम ही ट्रिक होती है। इन फ्री फायर के यूट्यूबर्स ने ज्यादा वीडियोस और व्यूज के चक्कर में हर गन की नई ट्रिक बना दी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार हर गन के साथ हेडशॉट मारने का ट्राई करना, हर गन के साथ सेम तरीके से ड्रैग किया जाता है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस गन के साथ किस तरीके से ड्रैग करना होता है। और आपने शॉर्ट गन के साथ भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, सभी शॉर्ट गन्स के साथ प्रैक्टिस कर लेना, और उसके बाद आपने ऑटो गन्स के साथ भी प्रैक्टिस कर लेनी है। वन टैप हेडशॉट और ड्रैग हेडशॉट आपने दोनों की प्रैक्टिस कर लेनी, जिससे कि आपके थंब को अच्छे से पता लग जाए कि कब कितना ड्रैग करना है और कैसे करना। इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है एम और ड्रैग की, मतलब कि दोनों चीजों की। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने एडवांस के ऊपर, बिगिनर के ऊपर, जिसके भी ऊपर सेट करना होगा कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे एम करके हेडशॉट मारने का ट्राई करना है, और आप जितने ज्यादा हेडशॉट मारोगे आपका एक्यूरेसी लेवल, एमिंग लेवल उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। और यहाँ पे आपके जितने ज्यादा हेडशॉट लगेंगे समझ जाना कि आप उतने ही ज्यादा प्रो प्लेयर हो, और अगर आपके कम हेडशॉट लगेंगे तो समझ जाना कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और यहाँ पे भी आप वन टैप हेडशॉट, ड्रैग हेडशॉट हर गन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके साथ आपका फायर बटन के ऊपर और एम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल आएगा और आपको ही बेनिफिट होगा। तो इन सब चीजों की प्रैक्टिस करने के बाद आपने लास्ट पॉइंट के अंदर प्रैक्टिस करनी है फेक मूवमेंट्स की। कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिनके साथ आप अपने एनिमी को कंफ्यूज कर सकते हो, उसे चकमा दे सकते हो या फिर उसके वन टैप से बच सकते हो, इन्हें हम फेक मूवमेंट्स बोलते हैं। तो आपने इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। जिगजैग मूवमेंट और क्राउच मूवमेंट, ये दो फेक मूवमेंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस है। तो आपकी जो भी मूवमेंट फेवरेट होगी आप उसकी प्रैक्टिस करना, या फिर आप जिसका ज्यादा यूज करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बीच बीच में ऐसे क्राउच करता रहता हूं, जिससे कि एनिमी को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं ये क्राउच मूवमेंट बीच बीच में करता रहता हूं, तो मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कभी कभी कर लेता हूं। तो आपने भी लास्ट पॉइंट में फेक मूवमेंट्स की प्रैक्टिस कर लेनी है, और इसके बाद आपका प्रैक्टिस खत्म। इसके बाद आप फिर गेम खेलने जा सकते हो। आपको गेम खेलने से पहले डेली इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए आप गेम खेलने से पहले इन सब की प्रैक्टिस किया करो, उसके बाद आपका गेम के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपको गेम खेलने में भी ज्यादा मजा आएगा। अगर आप ऐसे बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आप मर जाओगे, फिर आपको खुद के ऊपर ही गुस्सा आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करके। और जो प्लेयर्स होते हैं उनका प्रैक्टिस करने का एक रूटीन होता है। अगर आप भी फ्री फायर के प्लेयर हो, आपको ई स्पोर्ट्स खेलना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस रूटीन बनाना पड़ेगा, फिर आपने डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बस फिर गाइज इस वीडियो गेम पे एंड करते हैं। टाटा बाय।